जहन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे और फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा डाउट आए हैं कि हमारे ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ किस ट्रेड को आप घर पे तैयार कर सकते हैं, किसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरी, आपकी जो है रनिंग को लेकर भी कई बच्चों के डाउट आए हैं, तो आपकी जो रनिंग है उसकी भी बात कर लेता हूँ। हाइट को लेकर भी कई बच्चों के डाउट आए तो उस पर भी बात कर लेता हूँ, और सीधा मैं नोटिफिकेशन पे आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा किस ट्रेड के लिए आपको जो है घर पर ही तैयारी कर सकते हैं ट्रेड टेस्ट की, और किसके लिए घर से जाना पड़ेगा। देखिए, कुकिंग है, वाटर कैरियर है, ठीक है, ये दोनों लोग घर पर तैयारी कर सकते हैं, घर पर तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल आप समझ लें तो घर पर तैयारी कर सकते हैं। ड्राइवर, कुछ चीज़ों की मदद आपको लेनी पड़ेगी बाहर से भी। ड्राइवर के लिए घर से छोड़ना पड़ेगा, मोटर मैकेनिक और व्हीकल, इसके लिए घरों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों में दक्ष नहीं हैं, तब गार्डनर के लिए घर से कर सकते हैं, पेंटर के लिए घर से कर सकते हैं। गार्डनर के लिए आपको फिर भी घर से थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीजों की यहाँ पर जानकारी और पौधों की जानकारी आपको करनी है, तो आपको थोड़ा सा घर से निकलना। पेंटर के लिए भी आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग आपको सीखनी चाहिए अच्छे से, कलरों की जानकारी। तो घर में तो इतने सारे कलर बनाना संभव नहीं है, तो इसमें पेंटर के साथ में आपको रहना पड़ेगा। कारपेंटर भी वही है, ब्रास बैंड यही है, और पाइप बैंड, कोबलर, कोबलर के लिए भी घर से निकलना पड़ा, काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड टेस्ट कोबलर का लिया जाता है। टेलर के लिए भी आपको घर से निकलना पड़ेगा, बुगलर के लिए भी, बिगुलर के लिए, बिगुलर का जो अच्छा मास्टर माइंड आदमी है, माइंड उससे आप जो है सीखें तो ज़्यादा अच्छा। बार्बर के लिए भी आपको काम सीखना पड़ेगा, वाशरमैन के लिए, घर में रहकर ही वाशरमैन का काम आप कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी, इसका भी घर में रह के ही कर सकते हैं, इसमें होम से हो जाएगा, होम से हो जाएगा, बाकी में आपको जाना पड़ेगा। मैशन का काम भी आपको जो है घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लम्बर के लिए भी निकलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी। अब ट्रेड टेस्ट आपका, और फिजिकल देखिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला। तो मैं आपको लेके चलता हूं नोटिफिकेशन पर, और वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे, आपके सारे डाउट एकदम क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो कंफ्यूजिंग बना हुआ है, वो एक तो आपका सबसे ज्यादा है कि आपके जो है फिजिकल कितना है और इसकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो दोनों ही चीजों की। एक बच्चे ने एक दिन कमेंट किया था कि सर हाइट कितनी लगेगी, एक बार देखिए आप लोग हाइट भी देख लें। 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट है, फीमेल को 157 सेंटीमीटर, सेम जीडी की तरह, समझ गए, जो जीडी की भर्ती की होती है सेम वही, बाकी जो है एसटी वेस्टी को यहाँ पर छूट है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें सीने की, तो सीना 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए, ठीक, बाकी अदर को छूट मिली है। इसके बाद हम सीधे चले आते हैं अपने पॉइंट पर, देखिए आपकी रेस देख लो, आप दिमाग का जो है डाउट है वो निकाल लो। आपका देखिए ट्रेड है, ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रासमैन, पाइप बैंड, कोबलर, और इसके बाद में बुगलर, इन सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर सेम जीडी वाली, समझ गए, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। इसके बाद आपके जो जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर, ठीक है, वाशरमैन, वाशरमैन वोमैन और सफाई कर्मचारी, इनकी 1600 मीटर के लिए 10 मिनट हैं, और फीमेल्स के लिए 1600 मीटर के लिए 12 मिनट हैं, समझ गए। इसके बाद पाइनर विंग में देखिए, मैसन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन, 1600 मीटर के लिए 9 मिनट हैं, और फीमेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब वैकेंसी नहीं है। और पाइनर विंग में यहाँ पर देखिए आपकी मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर फॉर लेडी लद्दाख, लद्दाख रीजन वालों के लिए 800 मीटर की रेस के लिए 5 मिनट, ठीक है। तो इसके बाद अब आते हैं आपकी जो है ट्रेड की बात। सबसे पहले देखिए, देखते हैं ड्राइवर का नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड की, ठीक है, आपको जो ड्राइविंग की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ चले जाओ ट्रेनिंग सेंटरों पर, जहाँ कर इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है गाड़ियों की, ठीक है। हैंडलिंग, ट्रेड की हैंडलिंग आनी चाहिए, मतलब गाड़ी के हैंडल करना आना चाहिए, ड्राइविंग पार्किंग आनी चाहिए, वही एट बनवाएगा, एल बनवाएगा, और मेंटेनेंस आना चाहिए, मेंटेनेंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, गाड़ी को कैसे खड़ी करनी है, गाड़ी को कौन से गियर में चला, ये नहीं कि बस भगाए जा रहे हैं। लाइट, लाइटों की जानकारी होनी चाहिए, हैवी व्हीकल ईटीसी, समझ रहे हैं, हैवी व्हीकल का मतलब ट्रक, बस, और ईटीसी का मतलब हो गया आपकी जिप्सी, और आपकी जो है छोटी गाड़ी आ जाती हैं बुलेरो वगैरह, वो सब इसी में। फिटर, फिटर के लिए देख लें नॉलेज इन द ऑटोमोबाइल्स फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ द टूल्स ईटीसी, मतलब आपको फिटर के जो है जो आपके टूल्स होते हैं, आपके औजार होते हैं, सबकी जानकारी होनी चाहिए पार्ट पुर्जों की, और आपको जो है उससे संबंधित पूरी जानकारी हो। बिगुलर, देखिए बिगुलर वाले बड़े कन्फ्यूज हैं कि सर बिगुलर की कहाँ सीख लें,
प्लेइंग, तो यहाँ पे देखिए आपको बजाना आना चाहिए, हैंडलिंग आनी चाहिए, मेंटेनेंस आना चाहिए, किसका, बिगुल का। तो बिगुल इसके लिए आपके पास जब बिगुल होगा तो तभी तो सीखोगे, क्या बिना पास में होए आप लोग हैंडलिंग कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, इसलिए आपके पास में होना चाहिए। कोबलर की बात करें, हैविंग नॉलेज ऑफ दिस ट्रेड, मतलब आपको हैविंग नॉलेज, मतलब आपको कोबलर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पॉलिश आना चाहिए सूज पे, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपको सारे औजार चलाने आने चाहिए, कटिंग करनी आनी चाहिए, चमड़े की कटिंग होती है ऑफ लेदर, मतलब लेदर की कटिंग आनी चाहिए, रिपेयर करना आना चाहिए, समझ गए, सिटिंग और शूज मेकिंग, मेकिंग ऑफ न्यू शूज, मतलब नए भी पुराने भी शूज को आपको पूरा एकदम कोबलर का काम पूरा आना चाहिए। कारपेंटर की मैं बात करूँ तो हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ फूड वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग, देख रहे हैं कारपेंटर के लिए, एंड फिनिशिंग, तो ये आपको सारे काम आने चाहिए। ये समझिए आप जिस काम में जा रहे हैं उसकी फुल जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए पेंटर और कारपेंटर दोनों का काम तगड़ा है, इसीलिए मेरिट रहती है डाउन। आप लोग कहते हैं कि मेरिट क्यों डाउन है, देख रहे हैं पेंटर का काम, नॉलेज ऑफ कलर्स, आपको कलरों की जानकारी, कलर बनाने आने चाहिए, कौन सा कलर है सब जानकारी है, पेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, साइड्स पेंटिंग ऑप्शिंग बोर्ड्स पेंटिंग एंड द ड्रॉइंग, नॉलेज ऑफ स्प्रे, देख रहे हो, पेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ETC, मतलब आपको मोटर व्हीकल पे भी पेंटिंग आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कलर स्कीम बाय मिक्सिंग, ओई मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग डिफरेंट पेंट, मतलब दो कलरों को मिला के जो नए कलर बनाते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर गार्डनर की बात करें तो नॉलेज ऑफ प्लांटिंग, आपको जो प्लांटेशन की जानकारी होनी चाहिए, मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए प्लांट की, नॉलेज ऑफ द सीड्स, बीजों की जानकारी होनी चाहिए, दीजर दियर सीजन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूरस, तो ये आपको जो होना चाहिए जानने। ब्रास बैंड की बात करें, नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हैं। पाइप बैंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुक के लिए आ जाते हैं हम सीधा सीधा, जैसे कुक के लिए जाते हैं, हमको कुक और वाटर केयर का बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है क्वेश्चन, तो यहाँ देख सकते हैं कुकिंग से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, आपको चपाती रोटी राइस मतलब रोटी चावल आपको बनाना आना चाहिए, वेजिटेबल सब्जी बनानी आनी चाहिए, दाल सांभर इडली ETC, देख रहे हैं इडली तक यहाँ पूछ लिया है, देख रहे हैं। और 100 मैन मतलब 100 आदमी के हिसाब से कुकिंग ऑफ मीट फिश एग खीर, मतलब 100 आदमी के हिसाब से आपको जो है आनी चाहिए ये सब बनाने का, ठीक है। मीट भी आपसे बनवाएगा, फिश भी, एग भी, खीर भी, इसमें तो चारों में से एक चीज़ आपको बनवा के दिखानी पड़ेगी। वाटर केयर है देखिए वाशिंग वाशिंग ऑफ उटेंसिल, मतलब आपको जो है मतलब धुलाई, बर्तनों की धुलाई मैन है, क्लीनिंग ऑफ द आटा मतलब आटा गूंथना, फॉर द मेकिंग चपातीस, मतलब आपको चपाती बेलनी आनी चाहिए, अबाउट 100 मैन एंड द कटिंग ऑफ वेजिटेबल ETC, मतलब आपको सब्जी काटनी आनी चाहिए 100 आदमी के हिसाब से, देख रहे हैं यहाँ पर काम आपको करना होता है दोस्तों, ठीक है। बार्बर की हम बात करें, हेयर ड्रेसर की और दोनों की, फीमेल और फीमेल की, तो यहाँ पर देखिए हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपको सारे औजार चलाने आने चाहिए, हेयर कटिंग आनी चाहिए, ठीक है। सिम ऑफ द मैन ऑफ द बार्बर एंड द हैंडलिंग फॉर द टूल्स हेयर कटिंग, महिलास ऑफ द हेयर ड्रेसिंग ड्रेसर फीमेल, देख रहे हैं। वाशरमैन का भी यहाँ पर काम अच्छा खासा रहता है, वाशिंग ऑफ दैट क्लॉथ, मतलब आपको कपड़े धोने आने चाहिए, मशीन चलानी आनी चाहिए, आयरन ऑफ खाकी कॉटन यूनिफॉर्म वूलन एंड TC यूनिफॉर्म, देख रहे हैं जितना अपना वर्दी से संबंधित कपड़ा सब आपको आना चाहिए, मशीन चलानी आनी चाहिए। सफाई कर्मचारी का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, देखें स्वीपर के लिए देखो फ्लोर्स, स्वीपिंग ऑफ फ्लोर्स ओपन एरिया एंड द क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स बाथरूम्स ETC, देख रहे हैं आपको अच्छे से सफाई करने की जानकारी होनी। मैसन की बात करें, पाइनर की, नॉलेज ऑफ मैसनरी वर्क, हैंडलिंग टूल्स, मैसन को तो अपने मतलब सारे औजार चलाने आने चाहिए, और आपको सीमेंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, कितना सीमेंट कितना बालू होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। प्लम्बर की बात करें, नॉलेज ऑफ प्लम्बर वर्क हैंडलिंग टूल्स, तो यहाँ पर जो है आपको प्लम्बर को भी वही बात है, आपको सारी जानकारी प्लम्बर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का भी वही है। तो यहाँ पर जो है समझिए कि ये आपका सबसे मेन तो ये चीज़ है, पेपर से ज़्यादा ये ज़रूरी है, समझ गए। बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होइएगा।